वेलकम बैक माई अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है कि ठीक होगे। तो परसों के वीडियो में मैं बोला था कि संडे को मैं राइड करूंगा और मंडे को वीडियो अपलोड करूंगा। शायद मेरे को संडे को काम आ गया, ज़्यादा रात तक काम ही होता रह गया, तो संडे को मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला कि मैं शूट करूँ। तो फाइनली आज मंडे है और आज कोई फेस्टिवल है मकर संक्रांति करके, तो छुट्टी था आज, तो आज तो शूट करेंगे। परसों जो नहीं शूट कर किया होगा, परसों जो शूट नहीं किया था वो आज शूट करूँगा। और मेरे गाड़ी का इंडिकेटर का काम कराना है, एक इंडिकेटर जल रहा है, तीन इंडिकेटर चालू है, एक बंद है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले अगर आज दुकान खोला होगा तो उसका काम करा लूँ, क्योंकि अगर आज मैं करा लूँगा तो फ्री हो जाऊँगा फिर बाद में के लिए। और थोड़ी बहुत और एक जो काम है वो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, फ़िलहाल अभी उतना पैसा भी नहीं है मेरे पास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं परसों बोला था, नेक्स्ट पिछला वीडियो में मैं बोला था कि एक सरप्राइज़ है, कुछ तो नया होने वाला है बीजापुर में, वो है लेकिन मैं जाऊंगा नहीं उधर, क्योंकि उसका चार्जेस बहुत हेवी है। हेलीकॉप्टर राइड का है यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऐसे, वो चालू है दो तीन दिन से। अब फाइनली हम तो पहुँच गए यहाँ पर, देखना वो है कि नहीं। चलो इसका भी काम करा लेंगे पहले। है क्या तुम्हारे मालक? कैसे हो? ठीक। अभी किधर जा नहीं रहा था ऐसे ही, वो थोड़ा मेरा इंडिकेटर चेंज करना है, एक नहीं जल रहा है, तीन जल रहा है। हाँ देखो, ओहो फिर दूसरा कैसे डालेंगे, तो कैसे? हाँ नहीं नहीं अभी नहीं जाने वाला हूँ मैं, चुप आया ऐसे, देख लेते कौन सा है, समझ गए। ओके तो मैं संडे को फिर आऊँ, कंफर्म मिल जाता ना, एक बार देख लो। और सर इसका चैन का सॉकेट का वो थोड़ा वहाँ जा रहा है, कर कर करके नहीं, ज़्यादा टाइट करने पे और ज़्यादा आ रहा है, लूज है वो, उसको यही चेंज करने को बोल रहा था मिस्त्री, एक ये सब चेंज करने को, ये सब चेंज करने को बोल रहा था। कितने का पड़ता है वो? उसके पास था नहीं, वो बोल रहे हैं संडे को मंगा के देता हूँ। अब आज है मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, अब मेरे को 5-6 दिन रुकना पड़ेगा उस काम के लिए। कोई नहीं, नेक्स्ट संडे को फ्री रहता हूँ, आके मैं काम करा लेता हूँ। तो चलो जहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड कर रहे हैं, लैंडिंग हो रही है, वहाँ पर जाएँगे, देखेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या है दिक्कत है क्या नहीं। न्यू कैंपस के पास बोल रहे थे, बीएलडी न्यू कैंपस पास। अरे यार एक तो इतना खराब धूप हो रहा है अभी कि आगे का सोच कर समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा, जब इतना धूप अभी पड़ रहा है तो आगे तो बहुत खराब धूप पड़ने वाला है। तो मैं बोल रहा था जिसका तमाशा देखो यही है मेन। ओहो कैमरे में दिख रहा है नहीं, तो मैं जो बोल रहा था, तो फाइनली मैं अपना मोबाइल ले लिया और सेफ्टी गार्ड नहीं पहना था, सेफ्टी गार्ड भी पहन लिया,
कि चलो इधर तो लॉन्ग रूट जाएंगे, मतलब सिटी में ही थोड़ा बहुत रेस करेंगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा अपने बॉडी को। नीचे से ऊपर तक पैक हो गया हूँ मैं। अब मैं उस टाइम पे आया था यहाँ से, यहाँ पे याद पड़ा मुझे कि मोबाइल में छोड़ दिया हूँ, तो फिर जाके मोबाइल लेके अंदर आ रहा हूँ। चलो ऐसे तो बैठना तो है नहीं अपने को, पूछेंगे कि कितना चार्जेस है, वन राइड का चार्जेस क्या है पूछेंगे, देखेंगे क्या वो होता है कितना बोलता है। ये गौड़ा का इधर ही है, कितना है चार्जेस टिकट, टिकट की कितना है क्या हेलीकॉप्टर है? हाँ 4500 पर पर्सन, 4500 में अपना एक पूरा राइड हो जाएगा लॉन्ग रूट का जाऊँ तो मैं। कोई नहीं जाएंगे तो नहीं, हेलीकॉप्टर राइड का 4500 पर पर्सन के हिसाब से था, मतलब कि एक आधे घंटा राइड का मुझे 4500 रुपये देना पड़ेगा हेलीकॉप्टर राइड का। अरे बाबा 4500 में मैं बेंगलुरु जाके आ सकता हूँ राइड करके बाइक से अपने, है कि नहीं? इसलिए मैं अपना, अरे चलो अरे यहाँ से मैं अपना एयरपोर्ट पे जाएंगे, देखेंगे उसका काम कितना कंप्लीट हुआ है। परसों में अपने साइड वर्क से गया था क्रेन लेके, तो बोल रहे थे नेक्स्ट फरवरी में उसका ओपनिंग है, अभी जाकर देखेंगे क्योंकि मैं भी उस पर एक वीडियो नहीं बनाया हूँ, मेरा वीडियो का भी काम हो जाएगा और देख भी लेंगे कि प्रोग्रेस काम कहाँ तक पहुँचा है कहाँ तक नहीं। तो उम्मीद तो यही है एयरपोर्ट पर जाऊँ, जाना ही है। तो फाइनली अपन एयरपोर्ट के रोड पे आ गए, एयरपोर्ट में एंट्री ले रहे हैं। देखो एयरपोर्ट, अब यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है, यहाँ से एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है। लो मेरे को ये रोड पकड़ के जाना पड़ेगा। हाँ एयरपोर्ट एंट्री हो चुके, पता नहीं गेट खुला है अंदर जाने देंगे कि नहीं, इतना दूर तो आ गया हूँ मैं। खुला है गेट, नहीं खुले भी रहे तो खुलवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, हमें कौन सा कोई वो करने जा रहे हैं। देखो उधर लैंडिंग होने वाला है मेरे को जहाँ से लग रहा है, देखो वहाँ पे वो ऑपरेटर रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे जो सिग्नल मिलता है ना ऑपरेटर रूम का, और ये जो खंभा है मैं जो नाम बोल रहा था ना कि परसों में काम किया था उसका, ये काम किया था मैं, और ये बन रहा है वाटर टैंक, क्या खतरनाक वाटर टैंक यार, कितना बड़ा है, अभी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा है भाई। चलो ये हो गया आपका कैंटीन लॉज होटल, यहाँ पे अपना पैसेंजर स्टे करते, मैं आगे से दिखाऊंगा। ये तो क्लियर देखने के बाद ही मालूम पड़ जाएगा कि वो ऑपरेटर रूम है और ये पैसेंजर का है, कोई भी पैसेंजर आता है स्टे करने के लिए चाहे कोई भी काम वाम करने के लिए ये है, इतना तो कंफर्म हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस, काम तो चालू है। अब ये है कि जहाँ पे लैंडिंग होने वाला है वो हम जा नहीं सकते क्योंकि वो काम चालू है, उसका काम कंप्लीट होने के बाद ही उधर जा सकते, तो मैं आप लोगों को जितना हो सके इतना इधर ही से दिखा पाऊँगा। हाँ तो देखो ऑपरेटर रूम, ये पैसेंजर का उधर से, वो अच्छा देखो यहाँ पे लिखा होगा ना VIP कार पार्किंग CFR बिल्डिंग ATC बिल्डिंग ATC बिल्डिंग VIP कार पार्किंग बेंच, हर जगह देख लिए।
पे वर्क इन प्रोग्रेस चालू है। ये क्या है? टर्मिनल बिल्डिंग, वाई टू टर्मिनल बिल्डिंग। एक ही रोड चालू किए हैं, बाकी टोटल रोड बंद किए हैं। लैंडिंग का जो है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि लैंडिंग अभी जो है इधर ही से जाने वाला है शायद, मेरे को ऐसे जहाँ तक लग रहा है। यहाँ पे वर्क चालू है आज के दिन भी, टाइम चालू है। वे ओपनिंग कब कब है? ओपनिंग कब है? 6 और 12 मंथ। ए फरवरी में ओपनिंग बोल रहे थे, नहीं है? नहीं नहीं, अभी काम बड़ा है, काम बड़ा। वो लैंडिंग का जो है वो बाजू में है ना? हाँ, जा सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, थैंक यू। हाँ ओके, इन्होंने बोले कि लैंडिंग का जो है वो बाजू में है, वहाँ से रोड है, और कोई इंजीनियर वहाँ पे होगा, उससे पूछ लेना, पूछ के अंदर जाना, कोई दिक्कत नहीं। ये शूट अपने मोबाइल से ही कर रहा हूँ, कैमरा से नहीं कर रहा हूँ। फाइनली एयरपोर्ट घूम लिए, सभी चीज़ समझ में आया कि कौन सा कहाँ बन रहा है। तो हम रिटर्न वापस बीजापुर जा रहे हैं, जाने में कितना कुछ ज़्यादा आधा घंटा में बीजापुर पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या रनवे कितना हैवी बनाए थे यार, इसके चरबल, ये फोरवे है ना, फोरवे के चरबल ज़्यादा चौड़ा रहा था, वो रनवे इतना बड़ा था कि काफ़ी बड़ा था यार। चलो एक बार मिलते हैं एक बार बीजापुर सिटी में। तो हम सिटी में एंट्री कर दिए बाबा, सिटी में एंट्री कर दिए। अरे बाप रे, मैं एक टाइम से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक गोल गुंबद है, उसका जाके किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, ना मेरे पास टाइम मिल रहा है, ना मैं जा रहा हूँ ना वीडियो बना रहा हूँ, किसी दिन टाइम मिले। देखो सामने से ही आन बान शान दिख रहा है बीजापुर का, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए कम से कम टिकट उस टाइम पे थोड़ा कम था, लेकिन अभी ज़्यादा है। उस टाइम पे इसका टिकट था करीबन, मतलब उस टाइम बोले तो पीछे जब गया था मैं, जिस टाइम पे बीजापुर आया था उस टाइम था इसका टिकट का प्राइस 10 रुपया होगा शायद, याद नहीं आ रहा है। अभी तो दंगा हुआ होगा मंगा, और भीड़ भी काफ़ी रहता है, ये नहीं कि भीड़ नहीं रहता है, भीड़ भी दंगा रहता है। चलो अभी देखते हैं पब्लिक कैसे, पब्लिक का क्रेज देखने को मिलेगा दंगा। एक तो बोल के मेरा गर्दन सूख गया, फिर मेरे को लग रहा है ऐसे पानी पीना पड़ेगा किधर से रुक के। ओहो, मुझे ऐसे लग रहा है हेलमेट चेंज करना पड़ेगा, कंफर्ट फील नहीं हो रहा है मुझे हेलमेट में। अरे मामू वीडियो डालूंगा ना, मामू गुस्सा हो जाएंगे फिर। इसलिए है नहीं मालूम, पर धनका ट्रैफिक है।